नमस्कार, स्वादिष्ट खाना बाय अनीता जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। मुझे इनको थोड़ा लेना है, इसलिए मैं ये देखिए एक एक गर्मी के कारण ये पत्ते तो सूखते जा रहे हैं और टमाटर ही हैं तो सब पर ही देखिए टमाटर लग गए हैं। तो इस तरीके से, और ये सरसों भी हमारी सूख रही हैं। ये देखिए टमाटर, तो मैं आज इन्हें निकाल रही हूँ जो जो मुझे चाहिए। हम एक बाउल ले आए हैं और इसी में अपने टमाटर रखते रहेंगे। ये घर के ही किचन वेस्ट से ही ये मैंने इन्हें लगाया है। इसमें मैंने कोई बीज भी नहीं लेके आई थी, घर के ही जो टमाटर आते हैं वो ही मैंने इनमें डाल दिया। ये देखिए इस पेड़ पर तो कितने सारे लाल भी हो गए हैं टमाटर, तो हम इन्हें भी नहीं लेते हैं। मैं इन सबको बाद में इकट्ठा कर लूँगी, आपको दिखाने के हिसाब से ही मैं इन्हें बना रही हूँ। ये देखिए जब हम एफर्ट्स करते हैं और रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो मन में बहुत खुशी लगती है कि देखिए हमने अपने हाथ से इनको उगाया है। ये देखिए जो छोटे छोटे मैं उन्हें छोड़ दूंगी, जो थोड़े बड़े बड़े से हैं ये देखिए उनको हम ले लेंगे। ये देखिए ये सरसों भी उग गई है और ये सरसों के भी मैं ये निकाल रही हूँ आज, इनमें से हम सरसों झाड़ लेंगे। तो पानी देने के चक्कर में ही नीचे गिर गई है। देखिए इनकी जड़ भी बहुत गहरी नहीं है, तो आप लोग भी इन्हें गमले में लगा सकते हो। ये सरसों, राई और ये मेरा देखो सौंफ का पौधा है और ये नींबू का,